हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के 17वें मुकाबले के बारे में, जो कि पिछले दो वर्ल्ड कप के विनर टीम आमने सामने होंगे, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट की दो बिग टीम से। इन दोनों ने पिछले चार वर्ल्ड कप ओडीआई T20 जीता, एक तरफ जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो वहीं दूसरी साइड इंग्लैंड देखने को मिला। दोनों के बीच में इस मैच का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। यह मैच आपको 8 जून के बारबाडोस कनेक्शन ओवल में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिन मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 63% रहेगा और टेम्परेचर 30°C रहेगा। अब बात कर देंगे पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर बारबाडोस कनेक्शन ओवल स्टेडियम पिच स्पिन बॉलर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर स्पिन बॉलर्स को हेल्प मिलता है, उन्हें भी विकेट भी ज़्यादा मिलता है, पेस बॉलर को रिवर्स स्विंग करवा सकते हैं। रिकॉर्ड की भी देखें तो स्पिनर को यहाँ पर ज़्यादा विकेट मिलते हैं। बैटर्स को पावर प्ले में अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा। अब बात कर देंगे विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पर बैटिंग फॉल्स का यहाँ पर 62% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फॉल्स का यहाँ पर 34% जीतने का चांस है। वहीं अगर बात करेंगे एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 151 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 131 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया 3 मैच जीत के आ रही है, वहीं पे इंग्लैंड 7 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं, चलते हैं पहली टीम यानी इंग्लैंड का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां पे इंग्लैंड का पहला मैच जो कि बारिश के चलते कैंसिल हो गया था और टीम को 1 पॉइंट ही मिला। कप्तान जॉस बटलर फ्लिप शॉर्ट के साथ ओपनिंग करेंगे। वहीं नंबर 3 पे बात करेंगे, जो कि विल जैक को टीम चांस दे सकती है। यहां पे नंबर 4 पे जॉनी ब्रेस्टो खेलेंगे। ब्रेस्टो ने पिछले 6 मैचों में 146 के स्टैक रेट से 224 रन बनाए। वहीं पे इंग्लिश मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रूक है, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली जैसे ऑलराउंडर शामिल होंगे। लिविंगस्टोन और अली ने आईपीएल सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, सैम क्रॉन को भी टीम चांस दे सकते हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें, जो कि इंग्लैंड को जोफ्रा आर्चर टीम के लिए प्लस पॉइंट हो सकते हैं, मार्क वुड और क्रिस जॉर्डन टीम को विकेट दिला सकते हैं, वहीं पर ऋषि टॉपर टीम में शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने पिछले 4 गेम में 14 की एवरेज से 9 विकेट लिए हैं। वहीं पर आदिल राशिद, मोइन अली इंग्लिश यूनिट में मेन स्पिनर होंगे। अब बात करते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जॉस बटलर है, फिलिप सॉल्ट है, विल जैक है, जॉनी ब्रेस्टो है, हैरी ब्रूक है, मोइन अली है, लाइम लिविंगस्टोन है, क्रिस जॉर्डन है, जोफ्रा आर्चर है, आदिल राशिद, मार्क वुड है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि विल जैक है, जॉस बटलर है और जोफ्रा आर्चर है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास एक मजबूत टीम है जिसमें अनुभवी गेंदबाज के साथ साथ फॉर्म में चल रहे भरोसेमंद बड़े हिटर भी इंक्लूडेड है। ओमान के खिलाफ खेले गए मैच में मार्कस स्टोनिस से 36 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से नवाज 67 रनों की तूफानी पारी खेली थी। वहीं पर डेविड वार्नर ने उनका अच्छा साथ दिया था, जिन्होंने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार अर्धशतक जड़ा। ओपनिंग में जहाँ पर ट्रेविस हेड और वार्नर है, वहीं मिडिल ऑर्डर में मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस जो कि मैन हिटर होंगे, जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी। ये तीनों ही खिलाड़ी मैच विनर है। मैथ्यू वेट भी काफ़ी समय से T20 टीम का हिस्सा है, उन्होंने बड़ा इंपैक्ट डाला है। फास्ट बॉलिंग में जहां पे कमिंग्स और हेजलवुड और स्टार की तिगड़ी दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर सकते हैं, वहीं पर एडम जप्पा टीम के एक स्पिनर है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि डेविड वार्नर है, ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श जो कि कप्तान है, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेट है, मिचेल स्टार के पैट कमिंग्स, एडम जप्पा, जॉस हेजलवुड। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि पैट कमिंग्स है, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ले, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। मौजूदा फॉर्म के आधार पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए फेवरेट होगा। ओमान जैसी कमजोर टीम को आसानी से हराने के बाद टीम मैनेजमेंट को उम्मीद होगी ऑस्ट्रेलिया टीम अपने पुराने ओपोनेंट इंग्लैंड के खिलाफ जीत की राह पर रखेगी। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों इतनी ताकत है कि वह इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात दे सकता है। यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग मैच विनर इंग्लैंड होगा। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।